हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सनी आर्य। हर बार की तरह इस बार मैं आज आप लोगों को कुछ नया सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोग को डीजे डांस या फ्लोर डांस दोनों बोल सकते हैं। तो गाइस, मैं आज आप लोग को दो तीन ऐसा बेसिक्स सिखाऊंगा। वो डांस जो करता है, जो नॉर्मल डांस सीखना चाहता है, वो व्यक्ति के लिए ये सीखना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि इस स्टेप से आपकी चेस्ट में लचक, पैर से लचक, हैंड से लचक कैसे किया जाता है, ये चीज मैं सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग शादी या पार्टी में जाते होंगे, डांस करने में शर्मिंदगी महसूस होती होगी, तो इस डांस डीजे डांस स्टेप सीखकर आप शर्म दूर कर सकते हो। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे डांसर सनी आर्या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको नीचे दिए गए रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो मेरा आप लोग देख सके। अगर आप लोग इसी तरह डांस सीखना चाहते होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रेड वाले बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूं। तो गाइस, ये आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चीज आप लोग को सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक नॉन डांसर के लिए ये चीज सीखना बहुत ही परफेक्ट है। तो मैं एक न्यू सोच के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग देखे और सीखे, बॉडी में लचक लाए। तो गाइस, चलिए पहले एक बार आप लोग को म्यूजिक पे करके दिखा रहा हूँ। ये गाइस, तो पहले आप लोग को क्या करना है, देखिए बॉडी में पहले चेस्ट, एक बार चेस्ट देख लीजिए ऐसे, 1 2 3, हाथ यहाँ लेना है ऐसे, 1 2 3 4, कैसे चेस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे समझ में आ गया। अब उसके बाद चेस्ट, 1 2 3 4, पैर को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 1 2 3 4 5 6 7, पहले आप लोग इस तरह प्रैक्टिस करें, हाथ से ना, पहले बेसिक चीज ऐसे प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हैंड से करना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जैसे कम चेस्ट को अप डाउन ऐसे करना, क्योंकि चेस्ट में तभी लचक आएगी। बॉडी में डांस तो सब करता है, बट बॉडी में लचक आता है तब लगता है हाँ एक बंदा डांस कर रहा है, नहीं तो ऐसे करने से कोई मतलब नहीं बन रहा है। जैसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे समझ में आ गया। अब हैंड देखिए, हैंड ऐसे 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4, ये हो गया। फिर ये हैंड चेस्ट 1 2 3 4, देखिए हैंड लेंगे ऐसे चेस्ट 1 2, हैंड ये पूरा सीधा रहना चाहिए और ये हैंड यहाँ रहना चाहिए ऐसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे समझ में आ गया। अब उसके बाद ये तो साइड के था, जैसे 1 2 3 4 5, देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे कैसे करके 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हो गया। अब चेस्ट जैसे इधर जब मारेंगे ऐसे 1 2, पैर देख लीजिए पहले 1 2 3, कैसे पैर देख लीजिए ऐसे 1 2 3 1 2 3, कैसे करेंगे ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे। तो जैसे कि आपको पहले ये बता रहा था 1 2 3 4 5 6 7, यहां से बाद अब साइड, जब साइड करोगे तो पैर कैसे आएगा 1 2 3 4 5 6 7, जैसे हैंड कैसे 1 2 3, पैर भी जाएगा और चेस्ट 1 2, चेस्ट कैसे 1 2, जैसे 1 2 3, और इधर हैंड लिए 1 2 3, और थोड़ा सा डाउन इतना हो गए 1 2 3 1 2 3, ऐसे चेस्ट को अप डाउन अप, यहां तक समझ, जैसे हैंड लिए ऐसे 1 2 3 1 2, देखिए बस नॉर्मल हैंड कैसे करेंगे, हैंड 1 2 3, फिर यहीं से हैंड चेंज होगा 1 2 3, तो यहां तक समझ में आ गया। तो चलिए एक बार लास्ट बार सॉन्ग पकड़ कर दिखा रहा हूं आपको। जी हाँ दोस्तों, तो कैसा लगा आज का वीडियो, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है, और आप लोग मुझे
इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं करते तो तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कीजिए। और आप लोग इसी तरह डांस या स्टंट सीखना चाहते होंगे तो प्लीज अपने सनी भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।